हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शोम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम बात करने वाले हैं खनिज और जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और ये एक किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि मिनरल्स और जो ओर्स होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है और इनके अंदर डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, खनिज और अयस्क क्या होते हैं। देख, खनिज क्या होते हैं यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, जो हम जैसे खुदाई करके और फिर उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं खनिज। और खनिज को जब हम थोड़ा सा उसको प्योरीफाई कर लेते हैं और उसमें से काम की चीज़ को निकाल लेते हैं, जो काम की चीज़ निकलती है उसको बोलते हैं अयस्क। ये तो हो गई जो हमारे काम की चीज़ है, अलग कर लिए वो। और ये जो भी हम नेचुरली जैसे खुदाई करके हम निकालते हैं वो हो गए मिनरल्स। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए। प्रकृति में धातुएं कभी कभी स्वतंत्र अवस्था में परंतु प्रायः संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था के मतलब जैसे एल्यूमिनियम है, तो ऐसा नहीं है कि हम जब धरती के अंदर उसको खोदेंगे और हमारे पास जो खान है उसमें से केवल एल्यूमिनियम ही निकलेगा। सामान्यतः ऐसा होता है, यानी कि मोस्टली ऐसा होता है, प्रायः का मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम के साथ और जितनी भी काफ़ी ज़्यादा मेटल्स जो है वो आपस में मिली हुई हैं और उस प्रकार से हमारे को प्राप्त हो रही हैं। भूपर्पटी यानी कि अर्थ युग का जो क्रस्ट होता है, धातुओं का सबसे बड़ा स्रोत होता है। धातुएं सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ यानी कि जो नेचुरल चीज जो है, जो जिनमें धातुएं भी होती हैं और या फिर उनके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है खनिज या फिर मिनरल्स। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ की क्रस्ट है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाएंगी, चाहे वो धातु हो या उनके यौगिक हों। धातु का मतलब तो क्या हो गया, जैसे धातु का मतलब तो हो गया, धातु का मतलब हो गया मेटल। कोई भी ऐसी मेटल जो एक स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाए, जैसे मान लो एल्यूमिनियम, अगर स्वतंत्र रूप से सिर्फ एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, मान लो एल्यूमिनियम के भंडार मिल गए, तो ऐसा या तो हो सकता है कि सिर्फ उसके अंदर एल्यूमिनियम ही है, यानी कि उसके अंदर और कोई चीज मिक्स नहीं है, तो इसको तो बोलते हैं स्वतंत्र रूप से। और अगर जैसे मान लो एल्यूमिनियम के साथ और भी कोई चीज मिक्स है, जैसे मानो उसके अंदर लोहा भी है या फिर और भी कोई चीज है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, ये यौगिक हो गए, यानी कि ये कंपाउंड हो गए। तो ऐसा बहुत ही कम कंडीशन के अंदर मिलता है, बहुत ही कम दशाओं के अंदर मिलता है, लेकिन जो मोस्टली जो चीज़ें मिलती हैं हमारी पृथ्वी के अंदर मिलती हैं वो इस प्रकार से मिलती हैं, यानी कि जैसे एल्यूमिनियम भी मिल गया, उसके साथ फेरस भी मिला हुआ है, इस प्रकार से यो कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। वे खनिज जिनके धातु सुविधापूर्वक तथा कम खर्चे पर प्राप्त किए जा सकते हैं धातु के अयस्क कहलाते हैं। अब हमारे पास जो यौगिक मिले हैं, इनमें से जैसे मान लो हमारे पास ये यौगिक मिला था, ये यौगिक है, इसमें एल्यूमिनियम, फेरस और भी कोई दो चार चीज़ें मिली हुई हैं, तो अगर हम कम खर्चे के अंदर, जैसे एल्यूमिनियम को बाहर निकालना है इस कंपाउंड में से, तो अगर कम खर्चे वह सुविधापूर्वक अगर इस एल्यूमिनियम को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये जो एल्यूमिनियम है यही कहलाएगा अयस्क। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो आ गया खनिज। खनिज तो क्या है, जो भी पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, चाहे वो स्वतंत्र रूप से पाई जाए हो, चाहे वो यौगिक रूप के अंदर पाई जाए, उसको बोला जाता है खनिज। ऐसी कोई भी चीज जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, ऐसी कोई भी धातु जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, उनको बोला जाता है खनिज। और खनिज जैसे यौगिक के रूप में पाई जा रही है, तो अगर उसको
या फिर जैसे मान लो कंपाउंड के रूप में पाई जा रही है, तो उसको थोड़ा सा प्योरीफाई करके, जैसे मान लो हमारे को एल्यूमिनियम चाहिए, तो हमारे को उसको कम खर्चे के अंदर और सुविधापूर्वक अगर हम एल्यूमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं तो एल्यूमिनियम जो है वो कहलाएगा अयस्क। तो ये तो हो गया मिनरल्स, कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ के अंदर पाई जा रही है वो तो हो गया मिनरल्स, और अगर उसको कम खर्चे के अंदर और आसानी से अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो चीजें कहलाती हैं अयस्क ओर्स। तो इस प्रकार से दोनों चीजें अलग हो गई। जैसे जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे एल्यूमिनियम बॉक्साइट यानी कि Al2O3.2HO तथा काओलिन एक प्रकार की मिट्टी है, Al2O3.2SiO2.2H2O के रूप में प्रकृति में मिलता है, ठीक है। अतः यह दोनों एल्यूमिनियम के खनिज हैं। खनिज का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कंपाउंड के रूप में पृथ्वी में पाई जा रही है उसको बोला जाता है खनिज। तो हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम, देखिए इसके अंदर भी एल्यूमिनियम है और इसके अंदर भी एल्यूमिनियम है, और लेकिन इनके साथ और भी चीजें मिली हुई हैं, तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम थोड़ी मिल रहा है, और भी कंपाउंड है, और भी चीजें हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, कंपाउंड हो गए, और इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम के खनिज, मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम बोलेंगे। लेकिन बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, जो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्योंकि इससे ही एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड अगर मिल रहा है खनिज के रूप में, अगर बॉक्साइड मिल रहा है तो उसको एल्यूमिनियम का क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बॉक्साइड में से ही एल्यूमिनियम को आसानी से और कम खर्चे से प्राप्त किया जा सकता है। अतः सभी अयस्क जो है वो खनिज होते हैं। खनिज तो जो भी पृथ्वी के अंदर पाया जा रहा है वो सब खनिज है। इसका मतलब जो अयस्क है जिनको आसानी से हम प्राप्त कर पा रहे हैं वो भी क्या हो गए, खनिज हो गए। तो सभी प्रकार के जो अयस्क है वो खनिज है, लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे तो वो हो सकता है वो ट्रू ना हो। सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होंगे, सभी अयस्क जो है वो खनिज होंगे। क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी से प्राप्त किए जा रहे हैं, और पृथ्वी से जो भी चीज प्राप्त की जाती है वो होते हैं क्या, खनिज। लेकिन सभी अयस्क खनिज होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, इसके अंदर सिर्फ आपको ये बताना था कि खनिज और अयस्क में क्या फर्क होता है। तो खनिज तो ऐसी कोई भी चीज जो पृथ्वी से प्राप्त की जा रही है, चाहे से वो एक स्वतंत्र जो हमारा धातु है उसके रूप में प्राप्त की जाए या फिर एक यौगिक के रूप में, जैसे हमने यहाँ पे दो यौगिक का एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर एल्यूमिनियम जो है हमारी क्या है, धातु है। अगर हम जैसे ये तो हो गया क्या, ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए खनिज, एल्यूमिनियम के खनिज हो गए। लेकिन जैसे बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त करना बहुत आसान होता है, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त करना बहुत आसान होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। और सभी जो अयस्क होते हैं, जितने भी अयस्क हैं वो सभी खनिज हैं, लेकिन सभी अगर अयस्क जो हैं खनिज होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, अतः सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको अगर व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह भी चाहिए हो तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो, या फिर शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो तो आप हमेशा इंस्टॉल रखा करो, उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।